गौरव जी, ये तो साफ दिख रहा है कि भड़बड़ाए हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चुप्पी होने का नाम नहीं ले रहे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, खुद ही नहीं पता इनका दिमागी संतुलन किस तरह बिगड़ा हुआ है वो साफ है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि अब करना क्या है। अब नीतीश सुनिए, नहीं फैक्ट है, नीतीश बाबू के साथ थे, अब बीजेपी के साथ है, नीतीश बाबू ने छोड़ दिया था, अब वो भी साथ में आ गए। तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से बात कर रहे हैं उसमें ये बात तो कितनी झूठ इन्होंने बताए हैं वो देखिए। ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने हमें रिलीफ नहीं दिया, नहीं, हाईकोर्ट ने हमें क्या कहा था कि आप जाइए ट्रिब्यूनल के पास, वहां से हमें रिलीफ नहीं मिला। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज जब चुनाव सर पर है उस समय पर और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने के बाद जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो ये तो बता दे कि वो चुनाव, अगर ये संवैधानिक एक सिचुएशन भी क्रिएट हुई है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि कैसे होगी। और ये बता रहे हैं कि ईडी जो है वो बिल्कुल ही फ्री एंड फेयर है और सब अपना काम करती है, तो मुझे बताइए वो आदिश अग्रवाल के बारे में इन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने भी तो मैम ये बताइए इस देश में ईडी बनाया किसने, वो दबाव बीच में, इस देश में ईडी, इस देश में किस सरकार में ईडी का गठन हुआ, बहुत बोल चुके हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इस देश में किसकी सरकार में ईडी का गठन हुआ जा रही है? भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जनता इन्हें नकार रही है, इसलिए इस वक्त जब चुनाव सर पे है उस वक्त ये इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं कि कभी सीबीआई कभी इनकम टैक्स को हमारे यहाँ भेज देते हैं, हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर देते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे फैसला देता है तब ये पागल हो चुके हैं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री पत्र लिखवा रहे हैं उन वकीलों से जिसमें हरीश सालवे भी हैं, भाई इन्होंने ही तो उन्हें सॉलिसिटर जनरल बनाया। तो सच्चाई ये है कि आदिश अग्रवाल, अच्छा ईडी किसने बनाया मैम, वो सब मैम ईडी किसने बनाया, वो सब इन्हीं के है ना मैम, ईडी किसने बनाया, ईडी हमने बनाया फिर? लेकिन ईडी का दुरुपयोग किसने किया, बीजेपी ने किया, क्योंकि भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। इस बात को कोई कैसे तय करेगा, इस बात को कोई कैसे तय करेगा कि जब आपके समय में ईडी के केस दर्ज हुए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैम रुकिए।